दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद कानपुर मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ। उस समारोह में उन्होंने जितने शानदार तरीके से जो भाषण दिया, जो तकरीर की, वो तो मैं आपको सीधे सुनाऊंगा और आपको सुन के लगेगा कि उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया और उत्तर प्रदेश में भाजपा किस कंडीशन में है। जितने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है, है ठग्गू के लड्डू क्या क्या लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है बदनाम किया गया था, वही वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए परियोजनाओं का ही नहीं बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो। देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास
उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। तो ये था प्रधानमंत्री का सीधा भाषण। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।